हेलो बच्चों वेलकम बैक टू हिंदी क्लास आज हम क्लास सेवन्थ के लेसन नंबर ट्वेल्व माँ जीवन संचालिका के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है माँ ही अपने संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती है न करने योग्य कार्यों के परिणाम बताकर उसे सचेत करती है उसकी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझती है माँ के साथ मन की बात करके संतान को आत्मिक सुख मिलता है राम प्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति संबंधी क्रांतिकारी विचारधारा को उनकी माँ ने समझा और बढ़ावा भी दिया राम प्रसाद बिस्मिल की जो माँ थी उन्होंने अपनी माँ से अपने मन की बातों को किया और उनकी माता ने उनकी बातों को समझा था और उन्हें देशभक्ति के लिए प्रेरित किया था ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं लेसन मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है ये बात अब्राहम लिंकन ने कही थी राम प्रसाद बिस्मिल का जो ने जो फेमस गीत गाया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां हम अभी ये क्या बताएं क्या हमारे दिल में है मातृभूमि मातृभूमि का अर्थ है जो हमारे देश हमारा देश है जहाँ हमने जन्म लिया है उसको क्या बोला गया मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते जान दे दी उन वीरों में राम प्रसाद बिस्मिल का भारतीय समाज में अपना एक विशिष्ट विशिष्ट का अर्थ है विशेष स्थान है ऐसे महान नायक को शत शत नमन है उन्हीं के शब्दों में यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी इसका अर्थ है कि अगर मुझे देश के लिए अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े बार बार तो मैं इसे इसको कभी भी मुसीबत या दुख नहीं समझूंगा मैं बार बार अप देश के लिए अपने प्राणों को न करने के लिए तैयार रहूँगा राम बिस्मिल रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून अट्ठारह को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था और माता का नाम श्रीमती मूलमती था माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम के परम भक्त थे अतः बालक का नाम बड़े प्रेम से राम प्रसाद रखा बाल्यावस्था से ही उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा परंतु इस बालक को बचपन से खेलना अधिक प्रिय था उनके पिता कुछ क्रोधी स्वभाव के थे अतः पढ़ाई में ध्यान न देने पर वे कभी कभी पुत्र पर हाथ भी उठा देते थे लेकिन माता सदैव प्रेम से ही समझाती थी पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान तो करवाया ही साथ ही उर्दू सीखने के लिए उर्दू के स्कूल में भी दाखिला करवा दिया इसके पीछे भी एक मनोरंजक घटना है जिसका जिक्र बिस्मिल ने भी आत्मकथा के खंड एक में किया है उन्होंने बचपन में उ लिखना नहीं आता था जिसके चलते उन्हें एक बार पिताजी ने खूब मार पड़ी अतः उन्हें उर्दू सीखने भेजा गया फिर माता जी के स्नेह वर्ष अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भी गए राम बिस्मिल जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी वे प्राय प्रवचन व्याख्यान आदि सुनते और साधु सन्यासियों की पूरी निष्ठा से सेवा करते थे बिस्मिल अपनी माता जी से बहुत अधिक प्रभावित थे उनकी माता जी ने अपने प्रोत्साहन और सदव्यवहार से सदैव पुत्र के जीवन को दिशा दिखाती रही बिस्मिल ने जेल से अपनी माता को एक पत्र लिखा था जो अत्यंत हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायी था जन्मदात्री जननी सादर चरण स्पर्श मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला यद्यपि इस जीवन में क्या अगले कई जन्मों में भी आपसे उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा अर्थात इसका अर्थ होता है कि मैं आपका ऋण नहीं उतार पाऊंगा जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन सुधारा है वह अवर्णीय है मेरी शिक्षा मेरी आत्मिक उन्नति धर्म के प्रति मेरी रुचि सब पर आपकी ही कृपा है महान से महान संकट में भी आपने कभी मुझे अधीर होकर कुपथ कुपथकार होते गलत रास्ते पर नहीं चलने दिया मैं चाहूँगा कि जन्म जमानतर आप ही मेरी माँ बने माँ मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई है कि मैं आपके चरणों की सेवा न कर सका आप यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं की भी माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट दे गया आप यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित न हो और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने रखा था जिन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु को हर्षित करते हुए सहन किया था आपके चरण कमलों में प्रणाम आपका पुत्र राम राम प्रसाद बिस्मिल नवी कक्षा में पढ़ते थे जब उनके हृदय में देश स्वदेश प्रेम की लो जागी उन्हें लगने लगा कि देश के लिए कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए सन 1916 तक बिस्मिल की देश देशभक्ति उनके लिए एक जुनून बन गई साथ ही साथ वे साहित्य सृजन भी करने लगे उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक पुस्तक छपते ही जपत कर ली गई धीरे धीरे समय के साथ वे अनेक महानुभावों के संपर्क में आए और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेशी सरकार की आंखों की किरकरी बन गए काकोरी कांड के बाद से तो गिरफ्तारी से हर समय उनका लुका छिपी वाला खेल चलने लगा अंततः 26 सितंबर 1925 की रात वे गिरफ्तार कर लिए गए अभियोग और मुकदमा चलाने का नाटक खूब चला जिसमें बिस्मिल्ला ने स्वयं अपने केस की ऐसी पैरवी की कि जज महाशय भी मुंह देखते रह गए परंतु हुआ वही जो पहले से तय हो चुका था उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया और अंततः उन्नीस 19 दिसंबर उन्नीस को गोरखपुर जेल में फांसी देने की सज़ा सुना दी गई देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला यह बांका जवान यदि वीर था तो उसकी माँ भी वीर प्रस्तुता थी राम प्रसाद के पिता ने जानबूझकर उसकी माता से फांसी की खबर छिपाई क्योंकि उन्हें लगा कि संभवतः वे इसे सहन नहीं कर पाएंगी वे अकेले ही पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए माँ भी आखिर माँ थी वे पिता से पहले ही बेटे के सामने उपस्थित थी कहते हैं कि माँ को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी न हो पाई थी कि वे पहले ही सिंगनी सी होंकार उठी अगर रोना ही था तो ध्यान क्यों लगाया? फांसी के बाद उनकी मां ने कहा मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे पुत्र ने शूर वीरों की भांति अपने प्राण ने उछावर किए हैं, दिल फिदा करते हैं कुर्बान जिगर करते हैं पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं वंदे मातरम भारत माता की जय कहकर वे हंसकर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए इस वीर शहीद की स्मृति स्थल देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर है जिसके अंदर उनकी अस्थियों का कलश मौजूद है तो इस तरह इस पाठ में हमने राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के बारे में पढ़ा